वेलकम दी बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल। सो दिस इज़ एन क्विक ट्यूटोरियल। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, प्लस के आइकॉन में क्लिक करके वर्टिकल ड्राइंग करके वो रहेगा, उस पर क्लिक करो। सो ऐसा कुछ आएगा। सो इसको कैरेक्टर के साथ मास्क कर दो, प्लस नीचे लास्ट में प्लस लिखा रहेगा लेफ्ट साइड में नीचे। सो वहाँ से पूरा मास्क कर दो। इतना होने के बाद क्या करना है, इसको फर्स्ट से लास्ट तक स्प्लिट कर दो। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पर इस पर क्या करो, शेप पे जाओ, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ, लास्ट में जाओ, मास्क में जाओ एंड इसको कर दो एक्सक्लूड। एक्सक्लूड करने के बाद आपको क्या करने का है, नीचे जो आपका क्लिप रहेगा उसको कर दो डुप्लीकेट एक बार, फिर शेप पे साइड में होल्ड करके रखो, एक क्लिप में होल्ड करो एंड ऊपर सेकेंड वाले ऑप्शन में क्लिक कर दो, फिर ये कुछ ऐसा मास्क हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और परफेक्ट करने के लिए आप क्या करना, इसके अंदर जाओ, एडिट ग्रुप में जाओ। सो एडिट ग्रुप में जाने के बाद शेप में जाओ, एडिट पॉइंट्स में जाओ और यहाँ से अच्छे से आप यहाँ से देख लेना कितना कौन सा परफेक्ट नहीं है। वैसा मैं से क्विकली बता रहा हूँ तुमको, ये कर देना एंड शेप में जाकर मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ से परफेक्ट कैरेक्टर के हिसाब से कर देना, जिससे ये ज़्यादा ही लेना आपका मास्किंग। सो वेट अ सेकेंड, सॉरी, ऐसा कर देना, क्विक है, अच्छे से करो तुम, ये होने के बाद ऐसा परफेक्ट हो जाएगा वो। अभी अपना ओवरले को लेने के बाद ब्लेंडिंग में जाओ एंड लाइटन में कर दो स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन करने के बाद मास्क वाले लेयर के नीचे ले लो और ये लो आपका मास्क बन गया। इसको सिर्फ थोड़ा बड़ा कर दो, लाइक इतना, जहाँ तक आपका पूरा स्क्रीन कवर होता है। देखो हो गया, देखो मास्क हो गया, इजी। तो यही था आज के ट्यूटोरियल में, पसंद आया तो लाइक मारना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। सो बाय।